नोएडा में 5 लाख के नोट खा गए दीवक। बैंक के लॉकर में रखे थे रुपए, कस्टमर ने कहा मुझे मेरे पैसे वापस दिलाइए। नोएडा में सेक्टर 51 स्थित सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के लॉकर में रखे 5 लाख रुपए व आभूषण के डिब्बे दीमक चट गए। लॉकर होल्डर ने जब इस मामले की शाखा प्रबंधक से शिकायत की तो उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। शाखा प्रबंधक ने बैंक के सभी लॉकर होल्डरों से संपर्क कर अपना अपना लॉकर चेक करने को कहा, जिससे ये पता चल सके कि अन्य लॉकर में भी तो दीमक नहीं लग गए हैं। इससे बैंक में अफरा तफरी मची हुई है। एक लॉकर होल्डर के 5 लाख रुपए चट, लॉकर चेक करने वालों की बैंक शाखा में भीड़ लग रही है। लॉकर होल्डर के 2 लाख रुपए पूरी तरह से दीमक खा गए, जबकि 3 लाख रुपए को इस स्थिति में कर दिया कि वो बाजार में चल नहीं सकते हैं। अब लॉकर होल्डर इन नोटों को बदलवाने के लिए शाखा प्रबंधक पर दबाव बना रहा है। 2 से 12 हजार रुपए में दिया जाता है लॉकर। लॉकर होल्डर ने सवाल खड़ा कर दिया है कि बैंक प्रबंधन की ओर से 2 से 12 हजार रुपए में लॉकर का शुल्क लिया जा रहा है। ऐसे में लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा ही जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की होती है। साल में कम से कम 2 बार टर्नाइट ट्रीटमेंट कराया जाना चाहिए। शाखा में ये कार्य नहीं किया गया जिससे उनके लॉकर में दीमक लग गया। हालांकि शाखा प्रबंधक आलोक ने स्वीकार किया कि बैंक की दीवार में सीलन है, इससे दीमक आ गया होगा, लेकिन अन्य लॉकर इसकी चपेट में नहीं आया है। लॉकर में पैसा नहीं रखा जा सकता। LDM इंदु जसवाल ने कहा कि लॉकर उपभोक्ता की सुविधाओं के लिए होता है। बैंक की ओर एक एग्रीमेंट के साथ लॉकर होल्डर को उपलब्ध कराया जाता है। इसमें जरूरी दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, कीमती आभूषण समेत अन्य आइटम रखे जा सकते हैं, लेकिन लॉकर में पैसा नहीं रखा जा सकता है। ये RBI गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन है। यदि कोई व्यक्ति राशि को लॉकर में रखता है तो उसे ये साबित करना होगा कि ये रकम उसकी वैध रकम है। नोएडा में 5 लाख के नोट खा गए दीमक। बैंक के लॉकर में रखे थे रुपए, कस्टमर ने कहा मुझे मेरे पैसे वापस दिलाइए। नोएडा में सेक्टर 51 स्थित सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के लॉकर में रखे 5 लाख रुपए व आभूषण के डिब्बे दीमक चट गए। लॉकर होल्डर ने जब इस मामले की शाखा प्रबंधक से शिकायत की तो उन्होंने RBI की गाइडलाइन के हिसाब से मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।